दोस्तों i3 बेस्ड पीसी बिल्ड कॉन्सेप्ट वाले वीडियो के बाद जो कि मैं लेके आने वाला था वो था i3-8100 के ऊपर बेंचमार्क्स वीडियो विथ सम वीडियो कार्ड्स। चलिए अभी बेंचमार्क रिजल्ट्स शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले i3-8100 और उसके साथ GTX 1050 Ti 4GB। यहाँ पे गेमिंग के टाइम पे मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है और इसलिए नहीं रिकॉर्ड किया है ताकि हमें बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस मिल पाए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो गेम सेटिंग्स है वो मिड से लेके हाई सेटिंग्स पे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ विचर 3 के साथ। दोस्तों यहाँ पे विचर 3 पे आपको FPS मिल जाएगा करीब करीब 50 FPS के आसपास, कभी ऊपर कभी नीचे, अप एंड डाउन होता रहता है। GPU के ऊपर आपको 99% यूजेस दिखाई देगा, कभी कभी नीचे भी रहता है। और दोस्तों अगर CPU यूजेस की बात करें तो दोस्तों ये भी फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 50 ऐसा ही फ्लक्चुएट होता रहता है। दोस्तों नेक्स्ट जो गेम मैं यहाँ पे टेस्ट किया वो था पबजी। दोस्तों पबजी में हमें करीब करीब 40 FPS के आसपास देखने को मिलता है, ग्राफिक कार्ड मतलब GPU का यूजेस 100% देखने को मिलता है, अप्स एंड डाउन होता रहता है, CPU यूजेस में 100% नहीं जाता है, ट्रूली 100% यहाँ पे नहीं होता है, 50-60 यहाँ पे रहता है। दोस्तों अगला जो गेम है वो है हिटमैन। तो दोस्तों यहाँ पे हिटमैन पे GPU यूजेस करीब करीब 100 से लेके 99% हमें यहाँ पे देखने को मिला है। और अगर FPS की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे FPS करीब करीब 41-40 यहाँ पे ऐसा ही फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे फ्रेम रेट बहुत ही बढ़ जाता है अगर आप स्काई देखते हो अगर, और जैसे ही आप किसी बिल्डिंग में आ जाते हो मतलब एक शहर में आ जाते हो तो दोस्तों वहां पे हमारा जो फ्रेम रेट है वो ड्रॉप हो जाता है, ये आपको भी मालूम है। तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल आइडिया मैं दे रहा हूँ। तो दोस्तों हिटमैन में यहाँ पे CPU यूजेस भी 50% 40% 50% 60% भी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 1050 Ti का जो टेस्ट है 1050 Ti 4GB वाला टेस्ट वो यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अगला जो टेस्ट है उसके ऊपर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 1066 GB मैंने लिया, 3GB मैंने नहीं लिया। तो दोस्तों यहाँ पे 6GB के ऊपर विचर 3 का टेस्ट दोस्तों ऐसा निकल के आया है, GPU यूजेस 99% कभी कभी ड्रॉप हो जाता है, CPU यूजेस 60-70-80 कभी कभी 100% भी चला जाता है, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे खेल रहे हो। FPS की बात करें तो 60-60+ FPS आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले गेम की ओर जो कि है PUBG। यहाँ पे दोस्तों PUBG में GPU यूजर्स 96% भी देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे अप्स एंड डाउन होता रहता है, तो यहाँ पे मैं ओवरऑल आइडिया 96% है। माइंड इट जब हम GTX 1060 6GB के साथ जा रहे हैं या तो अल्ट्रा या फिर हाई इस सेटिंग्स में खेल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग यूज़ किया है 2400 MHz वाला 16GB का रैम। और दोस्तों यहाँ पे जो CPU यूजेज है वो भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिला है, 100% तो नहीं रहता है दोस्तों यहाँ पे, यही जानने वाली बात है, 100% यहाँ पे नहीं रहता है। और FPS जो है यहाँ पे हमारा 50 FPS देखने को आया है, मतलब 50 के आसपास ऐसे ही FPS देखने को आया है, वो भी खुले मैदान पे जब हम खुले मैदान पे दौड़ रहे हैं। और यहाँ पे यार जो CPU यूजेज है वो उतना बढ़ता रहता है, लेकिन जो GPU यूजेज है वो अगर आप कंसीडर करें तो दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि i3-8100 जो है वो हमारे GPU को बॉटलनेक नहीं कर रहे हैं। और डिपेंडिंग अपॉन योर गेम यार मतलब बॉटलनेक होगा कि नहीं, ये CPU इंटेंसिव गेम हुआ या फिर GPU इंटेंसिव गेम हुआ इसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी गोस्ट रिकॉर्ड वाइल्ड लैंड्स जो है वहां पे आपको 99% या फिर 100% GPU यूजर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप शैडो बैडो सब कुछ हाई कर देंगे तो मुझे लगता है कि वहां पे ये GPU इंटेंसिव गेम है। और दोस्तों अगर बात करें GPU यूजर्स की यार वो कस के GPU से तेल निकाल लेता है। तो दोस्तों चलिए अगले ग्राफिक कार्ड की ओर, 1070। यार यहाँ पे भी अल्ट्रा डिटेल पे ही हम लोग खेलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे विचर 3 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे विचर 3 में ऐसा देखने को आया है कि GPU यूजर्स जो है 99% भी हिट किया है, ठीक है 99%, और इसके आसपास CPU यूजर्स 80% to 100% यहाँ पे ऐसा फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई दिया है। FPS की बात करें तो 90 और 90 above आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी 90 के नीचे भी जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे विचर 3 का बेंचमार्क खत्म हो जाता है। तो फॉलोआउट 4 की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पे GPU यूजर्स आपको 80 to 90% देखने को मिलेगा, और दोस्तों CPU यूजर्स आपको 80 to 90% ऐसा ही 80% ऐसा कुछ 100% मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है ऐसा देखने को मिलेगा। अगर FPS की बात करें तो यहाँ पे भी 90 plus 90 के आसपास या फिर 90 plus आपको FPS देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर अगली गेम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आ जाता है Battlefield 1। दोस्तों यहाँ पे जो Battlefield 1 है यहाँ पे GPU यूजर्स 99% आपको देखने को मिलेगा, CPU यूजर्स आपको 90% ठीक है 90% और उसके 90% to 100% देखने को मिलेगा। यार FPS की अगर बात करें तो 90 plus FPS आपको देखने को मिलेगा, और कभी कभी 90 के नीचे भी आ जाता है, ड्रॉप होता है, ठीक है
कभी कभी ड्रॉप होता है। तो दोस्तों अगर अगली गेम की बात करें तो दोस्तों ये आज का आखिरी गेम है जो कि है हिटमैन। दोस्तों यहाँ पे हिटमैन पे ये हुआ कि जीपीयू यूजेस जो है वो 80 to 99% यहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहता है, और दोस्तों जो सीपीयू यूजेस है वो 80 to 100% फ्लक्चुएट करता रहता है। दोस्तों यहाँ पे अगर अगर एपीएस की बात करें तो 100 FPS कभी कभी नीचे भी जाता है और कभी कभी 100 FPS से ऊपर भी चला जाता है, जैसे कि 117 FPS, 120 FPS ऐसा भी देखने को आया है, कभी कभी फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक है, मतलब डिपेंडिंग अपन योर गेम आप कैसे देख रहे हो, अगर अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट की ओर देखते हो तो दोस्तों यहाँ पे एपीएस कम हो जाता है, ठीक है, स्काई की ओर ज्यादा और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ओर कम, मतलब ऐसा होता रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया है कि i3 8100 के साथ आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों अगर लगाते हो i3 8100 के साथ 1070 तो भी आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मे भी आपको कुछ कुछ गेम पे बॉटलनेकिंग देखने को मिलेगा जीपीयू के ऊपर। और दोस्तों जो रैम यूजेस की अगर बात करें तो दोस्तों मेरे हिसाब से 8 GB इज इनफ। ठीक है, अगर रैम यूजेज की बात करें तो 8 GB इज इनफ, अगर आपके पास पैसा कम है तो 8 GB के साथ चाहिए। और दोस्तों अगर आप कंफ्यूज है कि राइजन ले या इंटेल ले तो इसके ऊपर भी वीडियो आएगा, और उसके साथ साथ अगर फ्यूचर प्रूफ पीसी ये क्या होता है भाई, इसके ऊपर अगर कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है और उसके साथ आपका कॉन्सेप्ट अगर टैली करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे भी एक वीडियो आ जाएगा, कुछ बहुत सारे वीडियोज का प्लान है यार। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब तो आप जानते हैं यार, आप जानते ही है, बोलने का मतलब होता है सिर्फ रिमाइंडर देना, कभी कभी भूल जाते हो शायद आप। इतना दूर अगर आप पहुंच गए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आया इसलिए आप इतना दूर कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एट द एंड इतना ही कहना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।